हेलो एवरीवन गाइस, जैसे कि आप सभी का यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है, तो आज से अब से आपको इस चैनल पर रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज से रिलेटेड, पीएचडी एडमिशन के फॉर्म से रिलेटेड, कहाँ से फॉर्म आ रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, प्लस फेलोशिप रिगार्डिंग अपडेट्स भी मिलती रहेगी, कौन से फेलोशिप के फॉर्म निकले हुए हैं, कैसे अप्लाई करना है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपसे इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इनफैक्ट आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने आज ही अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज की तरफ से आ रहे पीएचडी एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें अभी तक नहीं देखा है, और इसी तरह के अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही आप इस तरह के जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उनको भी देखें ताकि आपको पता चले कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से टॉपर्स ने इस एग्जाम को क्रैक किया है, किस तरीके से उन्होंने ज्यादा क्रैक किया है। गाइज देखिए, आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव है कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें किस तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया जाए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अप्रोक्स 60 डेज का टाइम है, वैसे तो ज्यादा टाइम मिलेगा, कन्फर्म है ज्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन हम इसको एकदम वर्स्ट कंडीशन मान के चल रहे हैं कि 60 डेज मिनिमम आपके पास अभी अवेलेबल है, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई, 1 महीने के आसपास फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद 1 महीने का टाइम और मिलेगा आपको एडमिट कार्ड आने तक का। तो मोटे मोटे तौर पे 60 डेज के आसपास का टाइम है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम और मिलेगा आपको, जनवरी में भी एग्जाम जा सकता है, बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 60 डेज का टाइम है। तो इस 60 डेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि 60 डेज की प्रिपरेशन के करने के बाद आपके हाथों में जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, डेफिनेटली वीडियो देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगी, साथ ही समझ में आएगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइम जिस तरह की कट ऑफ गई है, देखने को ये मिला है कि जिनका भी जेआरएफ क्रैक हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो स्कोर था पेपर 1 में वो था आउट ऑफ 100 मार्क्स जो थे उनके 80 के आसपास बन रहे थे। तो अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो आप 30+ मान के चलिए कि आपको इतना टारगेट लेके चलना है जेआरएफ के लिए। अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो आपको 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, इतने तो सही करने पड़ेंगे। और अगर आपको नेट चाहिए तो आप 30 का एटलीस्ट टारगेट लेके चलिए। अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो इसमें आपको 70+ का टारगेट लेके चलना है जेआरएफ के लिए, और अगर आप चाहते हो कि आपका नेट हो जाए तो 60 के आसपास का आपको टारगेट लेकर के चलना है। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों ही पेपर को इक्वल अहमियत देना जरूरी, इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी। अगर आप पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करेंगे तो पेपर 2 रह जाएगा, पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करेंगे तो पेपर 1 रह जाएगा। तो इस चीज पे आपको स्टार्टिंग से फोकस करना है, स्टार्टिंग से इस बात पे ध्यान देना है कि आपको दोनों पेपर पे फोकस करके स्टडी करनी है, दोनों ही पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो बहुत ही कम चांस हो जाएंगे कि आपका जेआरएफ क्रैक होगा, क्योंकि पेपर 1 ही आपका जेआरएफ क्रैक कराने में काफी हेल्प करवाता है। अब देखो गाइस, हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स की, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो भी, और अगर आप रिपीटर हो। रिपीटर का मतलब है कि आपने पहले भी इस एग्जाम को एक बार दिया हुआ है, एक बार या उससे ज्यादा बार दिया हुआ है, तो आप रिपीटर की कैटेगरी में हो। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है कि आप अपनी लाइफ टाइम में पहली बार इस एग्जाम को अपियर करने जा रहे हो। तो अगर इस एग्जाम को पहली बार अपियर करने जा रहे हो तो ऐसे में 2 महीने का टाइम आपके लिए कम है, आपको कम से कम 4 से 5 महीने, बेटर हो तो 6 मंथ के आसपास का टाइम जो है देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 का जो सिलेबस है काफी लेंदी सिलेबस है, और फिर उस लेंदी सिलेबस में जिस तरह के क्वेश्चन आज के टाइम पे बन रहे हैं उसको क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको 6 मंथ तो लगेंगे, बट अभी अगर ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको और रिपीटर को दोनों को ही एक काम ये करना है, दैट इज कि अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, एक ऐसा तरीका, शॉर्टकट तरीका, जिससे आप मिनिमम टाइम में एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन कर पाओगे, वो है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के PYQs को गो थ्रू करना है, जिससे आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग और एनालाइज करेंगे इस चीज को कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन पेपर का और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। गाइस देखो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का या RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है हेडक्वार्टर से रिलेटेड, तो आप इस तरीके से स्टडी करिए इस टॉपिक की कि इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्टेब्लिश हुआ था, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपने एग्जाम में ये देखा कि पूछा ये गया है कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं,
या अभी आरबीआई की जो नई सब्सिडरी कंपनी बनी है वो कौन सी है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन बन रहा है तो इस टॉपिक को आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और उसी चीज को उस तरीके से ही स्टडी करना है आपको। तब आप ये मान के चलना है कि आपकी मिनिमम टाइम में एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन चल रही होगी। और यहाँ पर हमारा मेन गोल ये है कि आपको मिनिमम टाइम में एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जाए। तो ये है गाइज। अब देखो इन दोनों ही लोगों के लिए एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि जो आपका पेपर टू है, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो चाहे रिपीटर हो, दोनों ही केस में पेपर टू आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। बस अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को रिवाइज करना है। कई बार क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे होते हो, तो उस केस में फिर अगेन वही करना है कि पीवाई की उसको गो थ्रू कर लो, देखो किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप इस सिलेबस को कवर करिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है फिर तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अब आपको पेपर टू में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिलेबस को देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये एक तरीका ऐसा है जिससे कि आप मिनिमम टाइम में इन चीजों को कवर कर सकते हैं। दो चीजें जो कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही गेम चेंज कर देती है एग्जाम का, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप सभी को पता है कि दोनों के पांच पांच क्वेश्चन होते हैं, मतलब दस दस नंबर की वेटेज होती है। आप ये मान के चलो कि जो सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कि 20 नंबर की वेटेज बन रही है आपकी। और ये दो दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने इनको कर दिया, दोनों को सही कर दिया, तो जेआरएफ के बहुत ही हाई चांसेस हो जाएंगे। और अगर इसमें से एक भी गलत हो गया, आरसी गलत हो गया या फिर डीआई गलत हो गया, तो ऐसे में आप जेआरएफ भूल जाना कि जेआरएफ होने वाला है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल ही गेम चेंजर होते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ और वही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अभी रिसेंटली 2024 में पूछा गया है वो क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया है वो क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया है वो क्वेश्चन, मैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करोगे तो वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेंगे, सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाले। तो मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, साथ ही मैं आपको करवाने वाला हूँ गाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ना सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने आपको 2023 का क्वेश्चन करवाया था, इसी तरीके से 2024 का क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, और ऐसे ही मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी की प्रैक्टिस भी करवाने का मैंने प्लान किया है। और इसकी सीरीज आपको जल्दी ही आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में आपको अगर बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर, क्योंकि मार्केट में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतने सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर कि कवर करते करते आपकी आधी लाइफ गुजर जाएगी लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारा मेन गोल क्या है कि आपको मिनिमम टाइम यानी कि लिमिटेड टाइम में आपको बड़ा गोल अचीव करवाना है, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर। आपको अब जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि उस जगह पे हिट करना है जो कि बिल्कुल ही रिक्वायर्ड है, मस्ट है कि यहीं पे हिट होना चाहिए। अगर कहीं और हिट हो गया तो चांसेस जो हैं आपके जीतने के कम हो जाएंगे। तो इस चीज पे ध्यान देते हुए मैंने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कंप्लीटली सुपर फास्ट बैच डिजाइन किया है जो कि दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए है। सुपर फास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम टेबल आपको उस तरीके से दिया जाएगा ताकि आप मिनिमम टाइम में कंप्लीट कंटेंट कवर कर लें, क्योंकि 60 डेज में कंप्लीट कंटेंट कवर करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है जो कि सबके बस की बात नहीं है। तो टाइम टेबल को फॉलो करना होगा और सुपर फास्ट बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो कंप्लीट कंटेंट वो दिसंबर 2024 के लिए गारंटीड, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली 100% सिलेबस आपको कवर होगा, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं। तो ये जो सुपर फास्ट विनर बैच है, विनर बैच 3.0 हमने इस नाम से लॉन्च किया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। विनर बैच 3.0 जो है ये कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाला है, यूजीसी नेट पेपर 1 का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का एंड पॉलिटिकल साइंस का। और यहाँ पर कंप्लीट A to Z जो कंप्लीट कंटेंट मिलेगा वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड होगा, इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी, एक सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा, कंप्लीटली टू द पॉइंट होगा, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी बेस्ड, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स बायलिंगुअल मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है, आप चाहो तो फ्लैट 10% डिस्काउंट
अवेल कर सकते हो। Flat 10 कूपन कोड है, यही कूपन कोड है। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी 10% से फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो 10% का डिस्काउंट है ये 2 दिन के लिए 22 और 23 2 दिन के लिए ऑफर चलाया गया है, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो डिस्काउंटेड फीस में एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। 300+ सिलेक्शन दिए हमने इस बार, और ये कोई फेक चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कंप्लीटली गिने हुए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद के अपने सर्टिफिकेट शेयर किए हैं, अपना डेटा शेयर किया है। और यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए इंटरव्यू लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको सीखने को मिले, ताकि आप इन सभी से सीख पाएं कि किस तरीके से इन्होंने कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड स्टडी करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया है। तो आप इन सभी से सीखिए और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल दैट एस्पिरेंट्स एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।